हाँ, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ ठीक हैं, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसे आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि उमन ये मसला सबके साथ चल रहा होता है, मेरे साथ भी एक मरतबा हुआ, तकरीबन ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि जो है बहुत से लोग मोबाइल जब उनका चोरी हो जाता है, और जो है क्या नाम है, मोबाइल चोरी होने के बाद बहुत सारे कीमती ऐसे जो जरूरी कॉन्टेक्ट होते हैं मोबाइल के, वो चले जाते हैं। फिर बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, यार जो है बहुत सारे मेरे सिम तो चलो क्योंकि डुप्लीकेट निकल आती है, मेन चीज होते हैं उसके अंदर जो है कॉन्टेक्ट होते हैं वो चले जाते हैं, फिर वो बहुत सारे जरूरी काम लोगों के जो कॉन्टेक्ट होते हैं वो फिर जो है मिस हो जाते हैं लोगों से, फिर वो बाद में नई सिम निकलवा के फिर वो दोबारा सबसे दोस्त यार फैमिली मेंबर से सबसे जो है वो कॉन्टेक्ट लेते हैं, फिर वो बार बार दोबारा जो है अपने मोबाइल में सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने हमेशा के लिए वो नंबर जो भी आपके पास दो फ्रेंड्स दोस्त यार के आप कैसे सेव कर सकते हैं, आपका मोबाइल चोरी भी हो जाए फिर भी आपके पास वो नंबर दोबारा आ जाएंगे, तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप पूरी मेरी वीडियो देखिएगा, ज्यादा लंबी नहीं होगी। तो जैसे मैं हर वीडियो में अपने कहता हूँ कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो लगी अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, ताकि मेरी वीडियो आप लोगों के पास आसानी जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी वो आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं कि आप अपने मोबाइल के जो है नंबर जो है हमेशा के लिए कैसे आप अपने पास सेव कर सकते हैं। तो इसका आसान तरीका है समझने के लिए, सबसे पहले इसके लिए आपके पास एक एंड्रॉयड या स्मार्टफोन होना चाहिए, वो जरूरी है बहुत, छोटा मोबाइल नहीं, एंड्रॉयड या स्मार्टफोन जिस पे आपकी ईमेल आईडी लगी हुई हो, कोई भी जो भी आप यूज करते हैं, क्योंकि उसके लिए आपकी ईमेल आईडी बहुत जरूरी है, वो ही आपके जो है वो चैनल सॉरी नंबर जो है वो सेव करने में हमेशा के लिए आपके लिए वो फायदेमंद होगी या वो कारामंद होगी। तो आपने करना ये है कि जब आपके पास स्मार्टफोन हो तो जब आप नंबर सेव करते हैं अपने मोबाइल में, तो उस टाइम आपने एक चीज नोट की होगी कि गूगल वालों का एक ऊपर से एक लोगो वगैरह आ जाता है और वो सारी डिटेल आ जाती है। तो जब भी आप अपना मोबाइल नंबर सेव करें तो उस टाइम आप अपना मोबाइल का इंटरनेट ऑन करें, क्योंकि इंटरनेट ऑन करने का फायदा क्या है, वो इंटरनेट ऑन करने का फायदा ये है कि जब आप अपना मोबाइल में नंबर सेव कर रहे होते हैं, क्योंकि जो भी आपने गूगल की जो आईडी लगाई हुई होती है तो वो आपकी ईमेल आईडी पे वो नंबर सेव हो जाता है वो हमेशा के लिए। तो उसमें फिर आपको वो मोबाइल चोरी भी हो गया गुम हो गया तो आप बेफिक्र हो जाए, जब भी आपका मोबाइल चोरी हो जाए गुम हो जाए या कोई और मसला होता है, या मोबाइल दूसरी सूरत ये होती है कि बहुत से लोग मोबाइल रीसेट भी कर देते हैं, फिर पता चला कि वो सिम में तो चलो नंबर हो जाते हैं, जो मोबाइल में नंबर सेव होंगे वो चले जाते हैं। तो उसका आसान फायदा ये है कि जब आप नेक्स्ट टाइम आप किसी उसी मोबाइल में या किसी नेक्स्ट मोबाइल में आप जब भी वो मोबाइल में वो ईमेल आईडी आप डालेंगे, तो जो भी आपने उससे पहले जो नंबर आपने गूगल के थ्रू या कॉन्टेक्ट के टाइम पे जब सेव करने के टाइम पे अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन किया हुआ होगा, तो उस टाइम जो भी नंबर आपने सेव किए होंगे वो दोबारा जब वो ईमेल आपकी रिकवर हो जाएगी या इंस्टॉल हो जाएगी इंटरनेट के थ्रू, तो आपके सारे कनेक्शन सॉरी कनेक्ट कॉन्टेक्ट जो है वो दोबारा आपके ईमेल आईडी जब इंस्टॉल हो जाएगी इंटरनेट के थ्रू, तो सारे आपके जो है वो डेटा जो भी होगा आपका, चाहे वो दूसरा डेटा हो या फिर वो कॉन्टेक्ट नंबर हो, खासतौर पर इस टाइम जो टॉपिक चल रहा है वो कॉन्टेक्ट है यानी आपके मोबाइल नंबर, वो जब भी आप ईमेल आईडी को दोबारा लॉग इन करेंगे तो आपके सारे मोबाइल नंबर जो भी आपके 50 हो 100 हो या 1000 हो कितने भी हो सैकड़ों हो, वो आपके सारे नंबर दोबारा वो मोबाइल में उसी मोबाइल में आ जाएंगे आपकी ईमेल के थ्रू। तो उसके लिए दो चीजें जरूरी है, एक तो ये कि आपके पास स्मार्टफोन या एंड्रॉयड मोबाइल कोई भी हो, कोई महंगा हो कोई कंपनी का कोई जरूरी नहीं है, बस स्मार्ट और एंड्रॉयड होना वो जरूरी है, तो आपने उसके लिए मोबाइल और एंड्रॉयड मोबाइल स्मार्टफोन होना जरूरी है। दूसरे पे आपके जिस टाइम आप नंबर सेव कर रहे हो इंटरनेट आपका ऑन हो, तो उसी सूरत में आपके नंबर जो है वो आपकी ईमेल आईडी पे सेव हो जाएंगे आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तो फिर हमेशा के लिए आपके नंबर वो सेव हो जाएंगे। खुदा ना खास आपका मोबाइल चोरी हो जाता है गुम हो जाता है या किसी सूरत में और कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके नंबर उसमें मिस हो जाते हैं, तो फिर जब आप नेक्स्ट टाइम आपने किसी भी मोबाइल में वो ईमेल अपनी डालेंगे और उसका पासवर्ड अगर वो आपको याद होना चाहिए तो वो जब आप डालेंगे तो वो आपका जो है जो भी कॉन्टेक्ट आपके मिस हो गए या वो गायब हो गए वो दोबारा आपकी ईमेल आईडी के थ्रू नए मोबाइल में वो कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएंगे, यानी आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस तरह आपके जिंदगी भर आपके वो नंबर सेव रहेंगे, जब तक आप खुद उनको डिलीट नहीं करेंगे वो नंबर कहीं नहीं जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है
उन लोगों को जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा वो ये वीडियो उनके लिए काम की आई होगी और उनके लिए नॉलेजफुल ये वीडियो मेरा रहेगा इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको आसानी से मिल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक आने तक जो आप लोग मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।